हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी नेचुरल खुद से। आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे होम रेमेडी जिससे कि आप घर बैठे अपने बालों को कलर कर सकते हो। और अगर आपके बालों का हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, आमतौर पे सबकी चाहत होती है कि हमारे बालों का हेयर ग्रोथ अच्छा हो, हमारे बाल काले घने लंबे हों, बट सबकी ख्वाहिश जो होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो इस कंडीशन के लिए अगर आप ऐसी प्रॉब्लम में हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसको लगाने से आपके बालों का हेयर ग्रोथ होगा और साथ ही साथ आपके बाल काले घने लंबे और कलर भी काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे। सो गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो सब देख सकते हो, सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे चाय की पत्ती, अदरक, लौंग, लेमन। तो अदरक चाय की पत्ती जो होती है कि आपके बालों को काफ़ी अच्छा सा कलर भी देती है, आपके बालों को शाइनिंग भी करती है, स्मूथनिंग भी करती है और आपके वाइट हेयर की प्रॉब्लम को भी दूर करती है। फिर हमने लिया है अदरक। अदरक जो होता है ये आपके बालों में जो गंजेपन की प्रॉब्लम आ गई है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो गई है, ये उसको रोकता है और आपके बालों में नए बाल उगाता है, आपके जड़ों को मजबूत बनाता है। तो अदरक को आपको कर लेना है कद्दूकस, आपको ले लेना है अराउंड 1.5 चम्मच। फिर उसके बाद से आपको लेना है यहाँ पे लौंग। लौंग जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो ये आपके जब भी हेड में जब भी लगाया जाता है ना, तो आपके स्कैल्प में जाके आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है और आपके बालों में हेयर ग्रोथ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। क्योंकि जब भी हमारे हेड तक और जब भी हमारा ब्लड पहुंचता है तब भी हमारे बालों का हेयर ग्रोथ होता है। फिर हमने लिया है यहाँ पे नींबू का छिलका। नींबू का जूस आपको बिल्कुल भी नहीं उसमें ऐड करना है, छिलका केवल उसका ऐड करना है। जूस निचोड़ के निकाल दीजिए और इसका छिलका ले लीजिए। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है, आधे से भी कम लिया है हमने, आपको भी ले लेना है। इन सारे इंग्रेडिएंट को आप एक कटोरे में रख लीजिए या फिर बर्तन में। जिनके वाइट हेयर की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आयरन के बर्तन में ले लें, और जिनके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हैं, सिर में बाल कम दिखते हैं, हेड ज़्यादा दिखते हैं, हेयर ग्रोथ होती ही नहीं है, रुकी रहती है, उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा बेस्ट है। सो हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। आप फर्स्ट टाइम में ही आपको इसका रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हमने सारे इन्ग्रीडियंट को ले लिया है। लेने के बाद से गरम करना है आपको मीडियम फ्लेम पे, इसको अच्छे से पकाना है, उबालना है। पानी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जितना आपको क्वांटिटी चाहिए उसके हिसाब से। तो हमने यहाँ पे 1 गिलास ही पानी इसमें ऐड किया है। और जिनके बालों में वाइट हेयर की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आयरन के बर्तन को लेंगे, ताकि उनके बालों में आयरन भरपूर मात्रा में हो जाएगी। तो जो भी बाल हमारे ग्रे हेयर की प्रॉब्लम रहती है ना, तो आयरन के बर्तन में ही आपको ये सारी रेमेडीज़ बनानी होती है, तभी आपको अच्छा सा बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हमने 7 से 8 मिनट तक इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से उबाला है स्लो फ्लेम पे, और इसको हम अब छान लेंगे। छानने के बाद से आप पानी का कलर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसमें कोई स्मेल नहीं रहेगा, हैवीनेस कुछ भी नहीं रहेगा। आप नॉर्मल इसको यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है आपके हेयर ग्रोथ के लिए। तो ये आपको ऐसे डायरेक्टली आप स्प्रे वाले बॉटल में भर के रख लीजिए। शैम्पू करने से 2 घंटे पहले आप अपने बालों में अप्लाई कीजिए या फिर नाइट में अप्लाई कीजिए, काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड जो है ऑयलिंग करना। ऑयलिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे स्कैल्प के लिए, क्योंकि स्कैल्प जब भी हमारा मजबूत नहीं होगा तो हमारे बाल जो हैं वो कहाँ से मजबूत होंगे। तो ऑयलिंग भी करना ज़रूरी है। अगर आप रेमेडीज़ को यूज़ कर रहे हो तो आपको अंदर से भी कुछ खाने का ज़रूरत होता है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर ऊपर के सतह में केवल लगा लोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। आपको हेल्दी खाना खाना होता है, फ्रूट ज़्यादा खाइए, स्ट्रेट कम लीजिए, नहीं तो आपके बाल जो है वो झड़ने नहीं रहेंगे, क्योंकि वो स्ट्रेट की वजह से ना हमारे बाल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा झड़ते रहते हैं। तो इस कंडीशन में आपको ऑयलिंग भी करना है। फिर उसके बाद से आपको लगा के नाइट में ओवरनाइट के लिए रखना है। जब भी आप सुबह शैम्पू करोगे तो आप देखोगे कि आपके बाल जो है काफ़ी ज़्यादा पहले से स्मूथ हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, और आपके बालों में जो वो फ्रीजनेस की प्रॉब्लम रहती है, आपके बाल जो है वो फ्रीज ही रहते हैं, आपके बालों में फ्रीजनेस की भी प्रॉब्लम चली जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें मेहंदी कैसे बनाना है।
मेहंदी बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पे चुकंदर। तो यहाँ पे हमने दो चुकंदर को लिया है, दो चुकंदर ले लीजिए, इसको कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस करने के बाद से इसका जितना भी है उसका पूरा जूस निकाल लीजिए। जूस हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हमने जो पानी यहाँ पर बना के रखा है उस पानी का भी हमें यूज़ करना है। चाहो तो आप कपड़े के हेल्प से जूस को निकाल सकते हो, इजली निकल जाता है। अगर आप चाहो तो हाथों की हेल्प से भी इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिया है मेहंदी, नीपुर मेहंदी हमने लिया है। आपके पास जो मेहंदी अवेलेबल हो आप वो मेहंदी ले लीजिए, अपने बालों के अकॉर्डिंग, जितना आपके बालों का लेंथ है, हेयर ग्रोथ है। फिर उसके बाद से आपको इसमें ऐड करना है दही। सर्दी का टाइम चल रहा है, तो सर्दी के टाइम में हमारे बाल जो होते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं मेहंदी लगाने के बाद से। तो इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच दही। अगर आपके पास जो दही है घर का नहीं है तो आप मार्केट का भी ले सकते हैं, बट उसका जो पानी होता है उसको छान के निकाल दीजिए, ताकि पानी इसमें ना ऐड कीजिए। जब ये स्मूथ रहेगा दही तो आपके बाल में बहुत अच्छा सा सॉफ्टनेस आएगा, और आपके बाल जो हैं वो स्ट्रेट भी होंगे, और आपके बालों में काफ़ी अच्छा सा स्मूथनिंग भी देखने के लिए मिलेगा। सो अब हम यहाँ पे ले लेंगे चुकंदर का जूस जो हमने निकाल के रखा था, इस मेहंदी में हम डाल देंगे। अब इसके बाद से हमें लेना है जो हमने पानी तैयार किया है बना के, उस पानी को थोड़ा थोड़ा डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छा सा पेस्ट बना के रख लीजिए। जिनके बालों में वाइट हेयर की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आयरन के बर्तन को ले लेंगे, और जितने इंग्रेडिएंट हमने इसमें डाली हैं वो सारे इंग्रेडिएंट आपको इसमें ऐड करनी है, एक भी स्किप नहीं करना है, और इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद से इसको आपको ओवरनाइट के लिए रखना है। जब भी आप इसको ओवरनाइट के लिए रखोगे तो आपको देखोगे कि इसका कलर जो प्रॉपर तरीके से चेंज हो जाएगा, और काफ़ी अच्छा सा कलर भी प्रोवाइड कर देगा। और मेहंदी मिक्स करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि जब आप मेहंदी मिक्स कर रहे हो तो आपके मेहंदी में ज़्यादा पानी ना ऐड करें, क्योंकि ज़्यादा पानी रहेगा तो वो पतला हो जाएगा, और अगर कम पानी डालोगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो थोड़े थोड़े पानी डाल के अगर आप मिक्स करते हो तो आपका मेहंदी जो है वो काफ़ी अच्छे से बन जाता है, और काफ़ी अच्छा उसका टेक्सचर भी हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद से इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की आपको रखनी है। इसको रख देना है ढक के ओवरनाइट के लिए। अगर टाइम नहीं है तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। जब भी आपका ओवरनाइट हो जाए तो फिर सुबह में आप अपने बालों में इसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। सो देख सकते हो मेहंदी के कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा पतली भी हो चुकी है, और काफ़ी अच्छे से कलर भी उसका चेंज हो चुका है। तो आपको मेहंदी लगाने से पहले अपने बालों को अच्छे से कर लेना है कॉम। कॉम करने के बाद से अपने बालों में इसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। और आप अपने हाथों पे एक पॉलिथीन ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि हाथों में मेहंदी लग जाता है तो हाथों में अच्छा नहीं दिखता है। बालों के लिए अच्छा दिखता है बट हाथों के लिए नहीं। तो यहाँ पर आपको अपने बालों को अच्छे से जूड़ा बनाते जाना है, और मेहंदी को अप्लाई करते रहना है। जब भी आपका मेहंदी अच्छे से अप्लाई हो जाए तो आप ऐसे ही मेहंदी पे ऊपर से भी लगाती रहेगा, क्योंकि अगर हम एक लेयर लगा रहे हैं दूसरे लेयर में नहीं लगाएंगे तो हमारे बाल जो हैं ऊपर ऊपर तो कलर दिखेंगे बट नीचे के साइड में कलर नहीं दिखेंगे, तो शाइनिंग नहीं आएगी, तो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसके लिए आपको पूरा अच्छे से पूरा लेयर बाय लेयर लगाना है, ताकि आपके बालों में अच्छे से पूरा कलर हो जाए। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो वैसे ही आपको अप्लाई करना है।
भी ऐसे ही अप्लाई कर लीजिएगा जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। मैंने तो पूरे अच्छे से अप्लाई कर लिया और हाथों में भी काफ़ी ज़्यादा लग चुका है। तो आप ऐसे पूरा पीछे तक अच्छे से अप्लाई कीजिएगा ताकि आपके एक भी बाल छूटे नहीं। इसको लगाने के वैसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जब भी आपका 2 से 3 घंटे हो जाए सादे पानी से धो लीजिए। नाइट में आप अच्छे से हैवी ऑयलिंग कर लीजिए। ऑयलिंग करने के बाद से सुबह आप अपने बालों को शैम्पू से धोइएगा। हैवी ऑयलिंग करने से आपके बालों का जो कलर है वो प्रॉपर तरीके से लॉक हो जाता है और आपके बालों में शैम्पू करने से कलर जो है निकलता नहीं। आई होप कि वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो।